वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो व्हिच गिव्स यू द डेज लोडाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। क्या एनसीबी इंटरोगेशन के दौरान दीपिका पादुकोण ब्रोक डाउन थ्राइस? क्यों सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड ने किया स्लैम श्रद्धा कपूर एंड सारा अली खान को? क्या अजय देवगन प्ले करने जा रहे हैं ग्रे शेड कैरेक्टर? क्या करण जौहर को बैन सब्सटेंस केस में फंसाने की हो रही है कोशिश? किस वायरल वीडियो पर नेटिजंस कर रहे हैं स्लैम टेरेंस लुइस को? क्या एनसीबी इंटरोगेशन के दौरान दीपिका पादुकोण रोई तीन बार? क्या दीपिका पादुकोण ने किया बैन सब्सटेंस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने की न्यूज को एक्सेप्ट? वेल, दीपिका पादुकोण के एनसीबी इंटरोगेशन की इनसाइड डिटेल्स सामने आई हैं। इनसाइड इंटरोगेशन डिटेल नंबर 1। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण अपनी इंटरोगेशन के दौरान हो गई इमोशनल और तीन बार वो पूछताछ के दौरान रो पड़ी। आपको बता दें कि ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण के एंजाइटी इश्यूज की वजह से कहा था कि वो एनसीबी इंटरोगेशन के दौरान मौजूद रहना चाहते थे, लेकिन एनसीबी ने इस न्यूज को गलत बता दिया था और दीपिका पादुकोण को अकेले एनसीबी के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया था। इनसाइड इंटरोगेशन डिटेल नंबर 2। दीपिका पादुकोण ने रिपोर्टेडली एक्सेप्ट किया है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जिस पर बैन सब्सटेंसेस को लेकर डिस्कशन किया जा रहा था, लेकिन रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण साइलेंट थी ऑन द इश्यू ऑफ बैन सब्सटेंस यूजर्स। इनसाइड इंटरोगेशन डिटेल नंबर 3। रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने पूछा क्या व्हाट्सएप ग्रुप पर उनका ही नंबर था और क्या उन्होंने ही इस ग्रुप पर मैसेज सेंड किया था या फिर उनके बिहाफ में किसी और ने ये मैसेजेस किए थे। इनसाइड इंटरोगेशन डिटेल नंबर 4। रिपोर्ट्स के मुताबिक द एनसीबी फर्दर आस्क्ड हर इफ शी वाज प्रोक्योरिंग द इलीगल सब्सटेंस फॉर हर पर्सनल कंजम्पशन और फॉर समवन एल्स। And since when she has been using these substances and who all were the people who provided her these drugs. Inside interrogation detail number 5. Reports ke mutabik Deepika Padukone se NCB ne ye bhi janne ki koshish ki ke wo Karishma Prakash aur Sushant Singh Rajput ki former talent manager Jaya Saha ko kab se janti thi. Aapko bata dein, Karishma Prakash aur Sushant Singh Rajput ki talent manager जया साहा एक ही टैलेंट एजेंसी क्वान के लिए काम करते थे। इनसाइड इंटरोगेशन डिटेल नंबर 6। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने ये भी जानने की कोशिश की इफ शी यूज्ड टू कंज्यूम बैन सब्सटेंस, इफ यस फ्रॉम वेयर शी यूज्ड टू प्रोक्योर देम एंड हु मेड द पेमेंट फॉर द इलीगल सब्सटेंस। इनसाइड इंटरोगेशन डिटेल नंबर 7। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी ने सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर के फोन्स को सीज कर लिया है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन द केस। वेल, रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा अली खान, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर ने जिस तरह एनसीबी को जवाब दिए हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक इट सीम्स लाइक दे हैव बीन ट्यूटर्ड। अब देखना होगा एनसीबी क्या इन स्टार्स के फोन डेटा के बेस पर इनसे फिर से पूछताछ करती है और क्या इस केस में किसी और सेलिब्रिटी का नाम सामने आता है। रिपोर्टेडली श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने किया क्लेम सुशांत सिंह राजपूत लेते थे बैंड सब्सटेंस, लेकिन साथ ही इन दोनों एक्ट्रेसेस ने कहा उन्होंने नहीं किया किसी भी तरह के बैंड सब्सटेंस का इस्तेमाल। इन दोनों एक्ट्रेसेस के इस क्लेम को सुशांत सिंह राजपूत के एक फ्रेंड युवराज सिंह ने किया है स्लैम और इन दोनों ही एक्ट्रेसेस के बयानों पर उठाए हैं कुछ सीरियस सवाल। युवराज सिंह ने अपने एक एंग्री स्टेटमेंट में कहा है, Obviously they have been accusing him of so much consumption. They are blaming the buck on him now, as if they have not done anything. I mean, it's a joke, really.
यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड युवराज सिंह ने आगे ये भी कहा है, आखिर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के लिए इस तरह बयान क्यों दे रही हैं? And they want to just get out of it. Now they know that if they accept that they have taken or they were involved in peddling or circulation or trafficking, these are serious sections in the NDPS. Well, आपको बता दें, श्रद्धा कपूर ने reportedly NCB के सामने ये statement दिया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर हुई पार्टी का हिस्सा जरूर बनी थी, लेकिन उन्होंने banned substance को use नहीं किया था. यही नहीं, रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि श्रद्धा कपूर ने एनसीबी को बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी वैनिटी वैन में बैंड सब्सटेंस को यूज किया करते थे. सारा अली खान ऑन द अदर हैंड रिपोर्टेडली एडमिटेड टू बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद द एक्टर ड्यूरिंग देयर केदारनाथ शूट एंड इवन कंफर्म्ड दैट दे वेंट टुगेदर टू थाईलैंड. रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा अली खान ने ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने कभी नहीं लिए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जरूर बैन सब्सटेंस के हैबिचुअल थे. शी सेड, आई नेवर डिड ड्रग्स, सुशांत सिंह राजपूत हैबिचुअली डिड. श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के अलावा एनसीबी ने इस मामले में दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से पूछताछ की है और रिपोर्टेडली 2017 में हुई बैन सब्सटेंस को लेकर व्हाट्सएप चैट के एलिगेशन को दीपिका पादुकोण ने एक्सेप्ट कर लिया है. वहीं एनसीबी ने आगे अपने स्टेटमेंट में कहा है कि फिलहाल इन एक्ट्रेस को दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा और साथ ही ये भी बताया है कि उन्होंने इन फिल्म स्टार्स से पूछताछ क्यों की है. None of them have been called again as of now. We have placed these film stars' statements on record so that tomorrow the court should not pull us up by saying why we did not record their statements when their names figured in investigations. We have recorded their statements and we will submit these before court and then decide the course of action. Well, इस मामले में हर पल हो रही हैं नए developments. अब देखने वाली बात होगी क्या किसी और एक्टर का नाम इस पूरे banned substance केस में आता है या नहीं. क्या करण जौहर को बैंड सब्सटेंस केस में फंसाने की हो रही है कोशिश? वेल, करण जौहर के एक्स एम्प्लॉय क्षितिज रवि प्रसाद के एक सेंसेशनल स्टेटमेंट ने सबको चौंका दिया है. रिपोर्टेडली क्षितिज रवि प्रसाद का कहना है कि करण जौहर को बैंड सब्सटेंस केस में फंसाने के लिए उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है. क्षितिज रवि प्रसाद के लॉयर सतीश मान शिंदे ने एनसीबी पर सीरियस एलिगेशन लगाते हुए कहा है, The NCB officers, apart from Sameer Vankhede, were courteous to Kshitij and provided him with a comfortable sleeping arrangement. The next morning, when his statement recording resumed, Kshitij was categorically informed by Sameer Vankhede in the presence of several other officers that since he was associated with Dharma Productions, they would let him off if he implicated Karan Johar and some others, falsely alleging that they consumed banned substance. Kshitij refused to comply with this despite the pressure being mounted on him as he did not know any of these people personally and did not wish to falsely implicate anyone. Kshitij Ravi Prasad ke lawyer ke ye allegation against NCB hain kafi serious. Aage Kshitij Ravi Prasad ke lawyer ne apne statement mein ye bhi kaha hai. Sameer Vankhede informed him, Prasad, that if he wished to be granted a call, he should sign the statement they had prepared, which he could retract later. Kshitij was unaware of the legalities involved and had never even come across this term, retraction of statement. Sameer Vankhede then informed him that if he did not sign the statement, the pressure would continue to mount and he would not be given access to his family or lawyer. At the end of nearly 50 hours of interrogation, humiliation and torment, Kshitij, in his desperation to speak to his lawyer or family, unwillingly and under threats, signed the statement. However, on the other hand, NCB's Deputy DG Muta Ashok Jain rubbished these claims and stated the investigation is being carried out in a professional manner and there is no intended target other than what is revealed during the investigation. The allegations by Prasad are absolutely untrue.
यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक समीर वानखेड़े, जिन पर क्षितिज रवि प्रसाद के लॉयर ने एलिगेशन लगाया है, उन्होंने इसे पूरी तरह से गलत बताया है। इससे पहले करण जौहर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके एक्सप्लेन किया था कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इन अनदर डेवलपमेंट, सारा अली खान से हुई एनसीबी की पूछताछ की कुछ अपडेट्स सामने आई हैं। रिपोर्टेडली सारा अली खान ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि जनवरी 2019 में सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनका ब्रेकअप हो गया था और इसकी वजह ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत उनके साथ रिलेशनशिप में लॉयल नहीं थे। सारा अली खान का ये क्लेम काफी चौंकाने वाला है क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ये रिश्ता टूट गया। इससे पहले रिपोर्टेडली एनसीबी के सामने सारा अली खान ने ये भी एक्सेप्ट किया कि सुशांत सिंह राजपूत बैंड सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्होंने कभी इन सब्सटेंसेस को यूज नहीं किया। According to recent reports, NCB will now look into financial records of Deepika Padukone, Shraddha Kapoor, Rakul Preet Singh and Sara Ali Khan. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एनसीबी पिछले 3 साल की क्रेडिट कार्ड पेमेंट की जांच कर रही है कि कहीं पेमेंट की गई है फॉर इलीगल सब्सटेंस। वेल, एनसीबी की जांच अभी भी जारी है, ऐसे में इस केस की पूरी सच्चाई क्या है ये फाइनल जांच के बाद ही पता चल सकता है। अजय देवगन का नाम भी आ सकता है इन नेपोटिज्म रो, क्योंकि अजय देवगन की बिग बजट एक्शन फिल्म से अनन्या पांडे के कजन ब्रदर अहान पांडे को बॉलीवुड में किया जा सकता है लॉन्च। वैसे अहान पांडे के डेब्यू को लेकर अभी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आना बाकी है, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि अजय देवगन इस फिल्म में एक विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यशराज फिल्म्स की एक हाई बजट एक्शन ड्रामा में अजय देवगन को रिपोर्टेडली ऑफर किया गया है एक विलन का रोल, और कहा जा रहा है कि फिल्म में विलन का रोल है इतना पावरफुल कि अजय देवगन हैज अग्रीड टू प्ले द विलनस रोल इन द फिल्म। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, आदित्य चोपड़ा फिल्म धूम की तरह एक फ्रेंचाइज फिल्म पर काम कर रहे हैं जिसमें हीरो का रोल होगा विलन से ज्यादा इम्पोर्टेंट, एंड ही फील्स अजय देवगन इज परफेक्ट फिट फॉर द रोल। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, व्हाइल द फिल्म मार्क्स द डेब्यू ऑफ अनन्या पांडेज कजन अहान, अजय लीड्स द शो फ्रॉम द फ्रंट, टेकिंग अ क्यू फ्रॉम द धूम फ्रेंचाइज वेयर द एंटागनिस्ट्स हैव ऑफन ओवरशैडोड द हीरोज। Aditya has devised a cool and savvy character with grey shades for Ajay. It will be along the lines of Hrithik Roshan and Aamir Khan's characters in Dhoom 2 2006 and Dhoom 3 2013 respectively. Ajay is expected to sport multiple looks which will involve the use of prosthetics. Ajay Devgan ki ye film high on action drama hogi. Yahi wajah hai ki is film ke action ko इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रखने के लिए आदित्य चोपड़ा इज प्लानिंग टू ब्रिंग हॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड। एक सोर्स का कहना है, बूस्टेड बाय द सक्सेस ऑफ द धूम मूवीज, आदि हैज बीन कंटेम्प्लेटिंग डेवलपिंग अनदर फ्रेंचाइज फॉर लॉन्ग। ही नोज दैट अजय विद हिज मैसिव फैन फॉलोइंग विल बी वन ऑफ द सेफेस्ट बेट्स टू किक स्टार्ट एन एक्शन सीरीज। The production house is in talks with Hollywood action director Tom Struthers, who has previously worked on The Dark Knight 2008 and Dunkirk 2017, and South Korean action director Seo Young-oh of Snowpiercer fame for the project. Well, Ajay Devgan ne jitna apni films ke saath experiment kiya, utna shayad hi kisi aur Bollywood actor ne kiya ho. कॉमेडी फिल्म से लेकर सीरियस हार्डकोर एक्शन फिल्म्स, और अजय देवगन इससे पहले जब भी विलन के रोल में नजर आए हैं उन्हें ऑडियंसेस ने दिया है बहुत सारा प्यार, चाहे उनकी फिल्म हो काल या फिर खाकी। अजय देवगन ने हमेशा विलन्स के रोल में जान डाल दी है। मीनवाइल, अजय लास्ट थिएट्रिकल रिलीज वाज तानाजी द अनसंग वॉरियर।
Here's another film this year, Bhuj, The Pride of India, will be premiering on an OTT platform in the coming months. Iske alawa, Ajay Devgan film Maidan par bhi kaam kar rahe hain, jo ek sports biopic hai. And he has also signed film Kethi, jo ek South Indian film ki remake hai. As for Ajay Devgan's next release, Bhuj The Pride of India, it is set during the Indo-Pak War of 1971 and narrates the story of Indian Air Force pilot Vijay Karnik and 300 women of Madhapur village in Gujarat's Kutch district, who played a crucial role in helping India win the war. Directed by Abhishek Dudhaiya, the film also stars Sonakshi Sinha, Sanjay Dutt, Nora Fatehi and Sharad Kelkar. Well, Ajay Devgan play kare hero ka role ya phir villain ka? Wo work karte hain with perfection. Aise mein, unke super villain ka role fans ke liye hoga ek special treat. नोरा फतेही और टेरेंस लुइस की ये पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल. नेटिजंस स्लैम कर रहे हैं टेरेंस लुइस को फॉर दिस इनडिसेंट बिहेवियर. लेकिन क्या टेरेंस लुइस ने जानबूझकर किया नोरा फतेही को इस तरह टच, या ये था एक अनइंटेंशनल इंसिडेंट? Well, social media पर यूजर्स ऑलरेडी कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं एंड दे आर क्वेश्चनिंग टेरेंस लुइस. One of the users wrote, "Has Nora Fatehi said anything on what clearly is a bad touch by Terence Lewis? Did Urvashi Rautela spoke against Boni Kapoor? To be in industry, everyone has to compromise. Some even have to call people who do casting couch as biggest feminists." While another wrote, "What the hell? This is gross. Can somebody ask him for an explanation? It clearly looks intentional." Another user slammed the choreographer and said, "This creep is Terence Lewis. He is doing this on stage to a known face. No, it's not a slip of hand. Where are those Bollywood feminists who mocked Sunil Gavaskar? Can Anushka Sharma say something about this? Hashtag Sushant Earth Day. Hashtag Bollywood shame." While the video is going viral and we wonder how Terence Lewis and Nora Fatehi would react to it. Well, in pictures ko dhyan se dekha jaye to it seems Terence Lewis was trying to welcome someone along with Nora Fatehi and Geeta Kapoor. Or unintentionally, while welcoming the guest, his hands came in contact with Nora Fatehi. Aise mein bina Nora Fatehi aur Terence Lewis ke official reaction ke, is had tak Terence Lewis ko troll karna seems unfair. ऐसे में अब देखना होगा टेरेंस लुइस इस क्लिप पर किस तरह रिएक्ट करते हैं एंड शेयर्स हिज साइड ऑफ द स्टोरी. इससे पहले आपको याद ही होगा बोनी कपूर को सोशल मीडिया पर स्लैम किया गया था फॉर टचिंग उर्वशी रौतेला इनअप्रोप्रिएटली. लेकिन उस वक्त उर्वशी रौतेला ने खुद सामने आकर बोनी कपूर को डिफेंड किया था. वीडियोस में अक्सर ऐसी चीजें दिखती हैं जो होती नहीं है. ऐसे में किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले वीडियो में इन्वॉल्व लोगों के रिएक्शन को जान लेना चाहिए. कमिंग अप ऑन द शो, श्रुति हासन ने शेयर किया अपना हैप्पी स्पेस विद जूम. Zoom Happy Space में इस वीक हमारी गेस्ट है सुपर कूल एंड चिल एक्ट्रेस श्रुति हासन. इन दिस कैंडिड चैट श्रुति हासन शेयर्ड सम हिलेरियस अननोन फैक्ट्स जो शायद ही उनके फैंस जानते होंगे. श्रुति हासन रिवील्ड हाउ वन ऑफ हर एक्स यूज्ड टू कॉल हर बेब ऑल द टाइम एंड शी यूज्ड टू फील अनॉयड. वन एक्स ऑफ माइन वुड कांस्टेंटली कॉल मी बेब ऑल द टाइम. Everything was babe. Like, I heard my name maybe once a week.
everything else was babe. So I'll say babe for you, but there'll also be Rudrani somewhere. Yeah, of course. Yeah. So it was just so much babe, and I was like, I am not Babe Hasan, I'm Shruti Hasan. Well, Shruti Hasan is also not diplomatic. यही वजह है जब उनसे पूछा गया कि वो किस एक्टर के साथ लॉकडाउन में क्वारंटीन होना चाहती हैं, तो इस पर श्रुति हासन ने दिया ये फन जवाब। I don't want to quarantine with another actor. Okay, scratch that. An artist or a fun person. A fun person. Because artists on their own are not fun. Actors, musicians on our own are not fun. I want to burst that bubble. We're really not fun. We'll be like, this is my space. Push away people. Yeah, I mean, sure. So a fun person. My friend Brian in America, I would have wanted to quarantine with him and his husband because they're just hilarious, loving, fun. And he cooks like really good southern food, like fried okra and, you know, pie. And him and his husband are hilarious and loving. So I would have quarantined with them. वैसे लॉकडाउन के दौरान श्रुति हासन वाज वन ऑफ दोस फ्यू सेलेब्स जिन्होंने जमकर काम किया है एंड श्रुति हासन रिवील्स हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन हर सॉन्ग ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो थ्रू आउट दिस लॉकडाउन आई बीन राइटिंग एंड रिविजिटिंग ओल्ड स्टफ बिकॉज़ आई रियली वाजंट फाइंडिंग द इंस्पिरेशन और द वाइब टू लाइक राइट समथिंग न्यू एंड आई वाज लाइक आई वाज राइटिंग समथिंग न्यू विद लाइक वन ऑफ माय प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड एंड I was all like, you know, not really like, this is it. I wrote a poem like about something I was going through in relation to something I was feeling about someone and like trying to articulate it for myself. And when I saw these four lines in the poem, it really like stood out to me. And I said, that looks like a chorus. And that's how Edge was actually born, or out of a poem. What I was feeling, you know, this big sense of maybe we all feel. And in the poem, I was kind of articulating that the strength comes from doubt, the strength comes from maybe, and really you find yourself at the edge of everything. You don't find yourself in comfort zones. And I feel bad for people who are like, I'm comfortable here. I'm like, hi, enjoy your average day. श्रुति हासन ने इस कैंडिड चैट के दौरान अपनी हैप्पी स्पेस के बारे में भी हमें बताया। मेकिंग म्यूजिक, वर्किंग इन द किचन एंड प्रोबेबली यू नो राइट नाउ आई वुड किल टू गो टू अ बीच समवेयर दैट वुड बी लाइक आई लव द ओशन सो दैट्स माय श्रुति आल्सो प्लेड दिस फन गेम ऑफ पिक्चर्स विद अस टेक अ लुक सो वी आर गोना स्टार्ट दिस फन गेम आर यू रेडी श्रुति Ready. The first picture. Come on, I have to start with this. Oh, that's the album artwork for Edge. And so there's a really funny story behind this. So I got that bodysuit from Agent Provocateur. And it's actually like a very sexy thing. And I've been wearing it for a while. I've worn it on stage twice. And then I wore it in a magazine shoot once. And then finally, it's just my favorite because you can put anything on top of it, but I just like the visual thing. And it went perfectly with my video concept because it was all black. I wanted layers. My friend Natasha, who's like my fashion police, was like, enough now. I think you need to put that away. Did she say that? And we have a friend group. It. Like, she shamed me on my friend's group saying, enough now, Shruti, just put it away, okay? People will think you don't have any other clothes. It's like, okay. So that net talk's gonna be okay for a while. Ah, this is an ad, but it's such a cute picture. That was a photo shoot that we were doing. And Varun is really one of the sweetest, like, I just get such a, we haven't, but I feel like he's a school friend. Do you know what I mean? Yeah. Like he has that energy. We haven't been to school together, but he has that energy of being like, that cheeky school friend, you know. Yeah, he's very sweet. And also, it's like this, you know, you genuinely look like you guys are having fun. You know what I'm trying to say? It's not like, okay, ready, like even though, but it's like, it feels like a... You know, it's really easy to fake like chemistry with someone because you're like, we're both so hard, exactly. You know. But like to actually show fun, you actually have to have that kind of fun connection.